हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तरी जी की ट्रिक में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आए दिन हमारी वीडियो देख रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, आरओ एआरओ और 7 जनवरी को एपीएस का एग्ज़ाम भी है, उन्हें ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आया हूँ। और आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो फ्रेंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पॉइंट टू पॉइंट नोट करें। चलिए तो फ्रेंड, देर न करते हुए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, फ्रेंड आपको बताना है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। ए ऑप्शन में उज्ज्वल, बी ऑप्शन में उज्ज्वल, सी ऑप्शन में है उज्ज्वल और डी ऑप्शन में है उज्ज्वल। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ए ऑप्शन, क्या होगा उज्ज्वल। उज्ज्वल में क्या होता है, दोनों आधा आधा जय बनते हैं, यानी फ्रेंड क्या बनते हैं, दोनों आधे जय बनते हैं उज्ज्वल में, इसे भी यहां से ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी है, फ्रेंड आपको बताना है निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। ए ऑप्शन में है चर्मो उत्कर्ष, बी ऑप्शन में है चर्मो उत्कर्ष, सी ऑप्शन में है चरम उत्कर्ष और डी में है चर्मा उत्कर्ष। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी चर्मो उत्कर्ष। अगर हम इसे तोड़कर लिखें फ्रेंड, तो चरम जमा के उत्कर्ष। तो फ्रेंड आपने संधि पढ़ी होगी, इसमें क्या है एस वर है और इसमें ये क्या है ओ, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है हमारा ओ बनता है, क्या बनता है ओ, इसे बोलते हैं दीर्घ संधि। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, चर्मो उत्कर्ष। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है, फ्रेंड आपको बताना है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। ए ऑप्शन में संशोधन, बी ऑप्शन में संशोधन, सी ऑप्शन में संशोधन और डी में है संशोधन। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन, यानी संशोधन। पहले क्या बनता है हमारा छोटा से बनता है, फिर उसके बाद में शोधन। इसे अगर हम तोड़ के भी लिखें तो फ्रेंड अगर इसे हम तोड़ के लिखें, सॉरी एक मिनट, इसे अगर तोड़ के लिखें सम जमा के शोधन, इस तरह से भी हम इसे याद कर सकते हैं, या सम जमा के शोधन क्या होता है संशोधन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। अशुद्ध वर्तनी का प्रकार है, फ्रेंड आपको बताना है अशुद्ध वर्तनी का प्रकार है। ए ऑप्शन में अनधिकार, बी ऑप्शन में रीति अनुसार, सी ऑप्शन में उपरोक्त और डी ऑप्शन में व्यापार। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। अनधिकार को कैसे याद रखेंगे फ्रेंड, अन लिख लें, उसके बाद में अधिकार में क्या बनता है हमारा छोटा आ, यानी लघु ए बनता है। अगर हम रीति अनुसार में भी क्या करेंगे, रित्य को तोड़ लें, रित्य जमा के अनुसार, जमा के अनुसार। लेकिन उपयुक्त का क्या होता है, उपयुक्त कोई शब्द नहीं होता, उपयुक्त होता है उपयुक्त, उपयुक्त। और व्यापार में, व्यापार में हमारा व्यापार सही है। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी है इसमें फ्रेंड उपयुक्त। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, फ्रेंड आपको बताना है शुद्ध वाक्य। ए ऑप्शन में यह लोग कहाँ जा रहा है, बी ऑप्शन में दही में कौन पड़ा है, सी ऑप्शन में है उसने कहा कि हम चार भाई हैं और डी ऑप्शन में है यह मेरा मित्र है, ये मेरे साथ रहता है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन, यानी उसने कहा कि हम चार भाई हैं, यह लोग कहाँ जा रहा है। जब क्रिया बहुवचन में हो तो उसका सब्जेक्ट भी बहुवचनी होता है, यह की जगह क्या होगा ये। दही में कौन पढ़ा है, कौन नहीं होता है, क्या पढ़ा है, यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है, यह की जगह क्या आएगा फ्रेंड जो आता है, जो मेरे साथ रहता है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, फ्रेंड आपको बताना है शुद्ध वाक्य,
ए ऑप्शन में आप हस्ताक्षर बना दो, बी ऑप्शन में आपको दवा लेनी चाहिए, सी ऑप्शन में आप विचार कीजिए, डी ऑप्शन में युद्ध लड़ा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड, इसमें टाइम मिस्टेक है, हम इसको सही कर लेते हैं, यानी आप हस्ताक्षर कर दें, बना की जगह क्या होगा कर दें। आपको दवा लेना चाहिए, दवा लेना नहीं होता, दवा लेनी होता है, दवा आपको दवा लेनी चाहिए। आप विचार कीजिए फ्रेंड, इसका क्या होगा आप विचार कीजिए, इसमें होता है आप विचार करें, कीजिए नहीं होता है करें। युद्ध लड़ा जा रहा है फ्रेंड, युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध लड़ा नहीं युद्ध हो रहा है, क्या होगा फ्रेंड युद्ध हो रहा है। तो इसमें थोड़ी टाइम मिस्टेक है, चारों ही गलत हैं। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का अर्थ होता है, आपको बताना फ्रेंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का अर्थ होता है, ए ऑप्शन में कोयला मंत्री, बी ऑप्शन में परिवहन मंत्री, सी ऑप्शन में जल मंत्री और डी में कृषि मंत्री। तो इसका सही आंसर होगा परिवहन मंत्री। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। सर टैक्स, सर टैक्स का अर्थ है, आपको बताना है, ए ऑप्शन में अतिकर, बी ऑप्शन में है बिक्री कर, और सी ऑप्शन में आयकर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड अतिकर, सर टैक्स। बिक्री क्या होता है, सेल टैक्स होता है, और आयकर क्या होता है, ये इनकम टैक्स होता है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। ऑर्डिनेंस का अर्थ है, आपको बताना फ्रेंड ऑर्डिनेंस का अर्थ है, ए ऑप्शन में आधिकारिक, बी ऑप्शन में है अध्यादेश, सी ऑप्शन में है विधेयक और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड अध्यादेश। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। धूप में बाल सफेद होने का अर्थ है, आपको बताना है, धूप में बाल सफेद होने का अर्थ है, ये फ्रेंड मुहावरा दे रखा है, क्या है मुहावरा। अनुभव, ए ऑप्शन में अनुभवी ना होना, बी ऑप्शन में अनुभव होना, सी ऑप्शन में चतुर होना और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा अनुभवी ना होना, यानी धूप में बाल सफेद होने का अर्थ क्या है, अनुभवी ना होना। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। गुलर का फूल होना, यानी गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है, आपको बताना है, ए ऑप्शन में दिखाई देना, बी ऑप्शन में ना दिखाई दे पड़ना, सी ऑप्शन में भाग जाना और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दिखाई ना दिखाई पड़ना, यानी गुलर का फूल होना ना दिखाई पड़ना। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। उन्मूलन का विलोम है, आपको बताना है, उन्मूलन का विलोम शब्द है, ए ऑप्शन में है रोपण, बी ऑप्शन में नष्ट, सी ऑप्शन में अभ्युदय और डी ऑप्शन में निरूपण। तो इसका सही आंसर होगा रोपण, रोपण होता है लगाना, उन्मूलन होता है उखेड़ना। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। औदार्य शब्द का विलोम क्या है, फ्रेंड आपको बताना है, औदार्य शब्द का विलोम क्या है, ए ऑप्शन में उदारता, बी में है दयालुतु, सी में है अनुदार्य और डी में है विदिर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा अनुदार्य, यानी सी ऑप्शन सही होगा। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, गणतंत्र का विलोम क्या है, फ्रेंड आपको बताना है, गणतंत्र का विलोम क्या है, ए ऑप्शन में साम्यवाद, बी ऑप्शन में प्रजातंत्र, सी ऑप्शन में राजतंत्र और डी ऑप्शन में अधिन्यायिक तंत्र। तो 14 का सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी राजतंत्र। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। विचारों का ऐसा प्रभाव जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले, वाक्यांश का अर्थ है, यानी आपको बताना फ्रेंड, ये वाक्यांश दे रखा है, इसके लिए एक शब्द पूछ रहा है यो, विचारों का ऐसा प्रभाव जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले, वाक्यांश का अर्थ है, ये ऑप्शन में असमंजस, बी ऑप्शन में ऊहापोह, सी ऑप्शन में संधि और डी ऑप्शन में मंथन। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड
अगला प्रश्न देखते हैं, कांटों से भरा हुआ, ये भी कई बार यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा है, कांटों से भरा हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन में कंटक, बी ऑप्शन में कंटका, सी ऑप्शन में गुलदस्ता और डी ऑप्शन में कंटक एक्यूरेट। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कांटों से भरा हुआ। चलिए फ्रेंड, इसे भी यहाँ से याद रखना है। बिना सोच विचार के, यानी बिना सोच विचार के अनुकरण करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। फ्रेंड आपको बताना है, बिना सोच विचार के अनुकरण करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन में अज्ञानी, बी में क्षिप्रहस्त, सी में गतानुगतिक और डी में मुक्त कंठ। तो इसका सही आंसर होगा गत अनुगतिक, यानी सी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कंदरा का पर्याय है। फ्रेंड आपको बताना है, निम्न में से कंदरा का पर्याय है। ए ऑप्शन में गुफा, बी ऑप्शन में खोए, सी ऑप्शन में गुहा और डी ऑप्शन में उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं, सुनुक यानी सुनुक का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन में कौवा, बी ऑप्शन में कोयल, सी ऑप्शन में कुत्ता और डी ऑप्शन में कन्या। तो इसका सही आंसर होगा कुत्ता, यानी सुनुक किसे कहते हैं, कुत्ते को। सुनुक का पर्याय क्या होगा, कुत्ता। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं, कल्प वृक्ष का पर्याय है। आपको बताना है फ्रेंड, कल्प वृक्ष का पर्याय है। ए ऑप्शन में पारिजात, बी ऑप्शन में कल्पतरु, सी ऑप्शन में देव वृक्ष और डी में है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कल्प वृक्ष। तो फ्रेंड ये थे 20 प्रश्न। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास वाली घंटी को दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।